सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे, इस कटोरी के मेजरमेंट से हम सारी चीज़ों को लेंगे। तो इस कटोरी का मैं पौना कटोरी यहाँ पर लूँगी सूजी और घी लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बादाम काजू और किशमिश लिए हैं। तो ये दो इलायची लिया है मैंने, इसे हम कूट के डाल देंगे। आपके पास पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने एक कटोरी का पौना कटोरी मैंने सूजी लिया है, पौना कटोरी मैंने घी लिया है। यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये सूजी डाल देंगे। देखो मैंने इसी कटोरी का मेजरमेंट सारा चीज़ किया है, शक्कर घी और सूजी। तो इसे हम चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है आपको, बिल चलाते रहना है। इसे अच्छे से हम चलाते रहेंगे, बीच में अगर आप छोड़ दोगे तो ये जलने का चांसेस हो सकता है। तो इस वजह से आप अच्छे से हम इसे चलाते रहेंगे, इसे हम छोड़ना नहीं है। एक मिनट तक अच्छे से भूनना है इसे। अब ये अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं एक चीज़ डालूँगी जो कि आप खुद सोचोगे कि ये क्या था, ये सूजी का हलवा है कि ये बेसन का हलवा है। तो इसमें मैं एक चम्मच डालूँगी बेसन। बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना बेसन डाल के। सिर्फ एक चम्मच बेसन डालना है हमें, ज़्यादा नहीं डालना है। बेसन डालने के बाद इसे लगातार हमें अच्छे से चलाना है, क्योंकि बेसन भी घी में जल्दी भूनने लगते हैं। तो इसे अच्छे से हम चलाएंगे चलाएंगे, तो इसे चलाते ही रहना, आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि आपने बेसन डाला है तो जल्दी नीचे से चिपकने के चांस होते हैं। और कोशिश कीजिए कि मोटे तई मतलब जैसे कढ़ाई मोटे कोई मोटा बर्तन यूज़ करने की कोशिश कीजिए। अब ये अच्छे से हम चला लिया है हमने, इसमें मैं ये इलायची को कूट कर डाल रही हूँ। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है, नहीं है तो ऐसे कूट के भी डाल सकते हो, क्योंकि हमें इसका फ्लेवर चाहिए इसमें। तो ये इलायची जाने के बाद अब इसमें जाएगा पानी। तो पानी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था, इस कटोरी के मेजरमेंट से ही हम सारी चीज़ों को बनाएंगे। तो इस कटोरी का मैं 3 कटोरी पानी लूँगी। तो इसे हम पानी मेजरमेंट करके एक बड़े बर्तन में लेना है, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा करके हम कटोरी में लेकर अगर आप सूजी में डालोगे तो वो जल्दी थिक होने लगेगा। तो इस वजह से हम पहले ही पानी अच्छे से एक कटोरी मेजरमेंट करके 3 कटोरी पानी हमें 3 गुना डालना है इसमें। तो ये 3 कटोरी पानी हो गया है। और जब आप कढ़ाई में डालोगे तो ध्यान रखना अपने हाथों का, क्योंकि वो घी है, हाथों में छींटे उड़ने के चांसेस होते हैं। तो ये पानी में एक ही दम से डाल दूंगी सारा, और ध्यान रखना हाथों का, बार बार मैं कह रही हूँ आप लोगों से। तो ये अच्छे से हम मिला लेंगे। अब ये सूजी ये सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, सारे सूजी अच्छे से पानी में फूलने लगेंगे। ये धीरे धीरे करके ये थिक हो जाएगा। ये देखिए सूजी फूलना चालू कर दिया अच्छे से, ये पानी को धीरे धीरे सूजी सारा पी लेगा और हमारा हलवा भी मस्त एकदम फूला फूला रेडी होएगा। और ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये हलवा कैसे लगा। आप एक बार बनाओगे ना, घर वाले वाकई में आपकी तारीफ़ करेंगे, देखना। और ये ईजी तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। तो उसी मेजरमेंट का मैंने यहाँ पर एक कटोरी शक्कर लिया है, तो एक कटोरी शक्कर इसमें गया। कटोरी शक्कर डालने के बाद इसका कलर और थोड़ा चेंज होता है, आप चाहे तो इसी कलर में खा सकते हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा और नया ट्विस्ट दूंगी इसमें। जैसे आप लोगों ने साउथ इंडियन शादियों में खाया होगा सीरा, उनका कैसे ऑरेंज कलर होता है, एकदम रेड ऑरेंज, वो कलर में मैं आज बनाऊंगी। तो इसमें इसको से मैं कलर चेंज करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, ड्राई फ्रूट यहाँ पर थोड़ा हम घी में इसे थोड़ा अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि रोस्ट करके ड्राई फ्रूट डालने से बहुत अच्छा होता है इसका टेस्ट। तो ये अच्छे से हम सारे घी में रोस्ट कर लेंगे इसे। आप चाहे तो पहले भी घी में रोस्ट करके इसे निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह भी आप बना सकते हो। तो ये सूजी देखिए पूरे पानी को इसने अच्छे से सोख कर लिया है। अब इसमें जाएगा ये सारा ड्राई फ्रूट जो हमने घी में रोस्ट कर लिया है। किशमिश हमें रोस्ट नहीं करना है, किशमिश हम ऐसे ही डाल देंगे। ड्राई फ्रूट हलवे में बहुत ज़्यादा डालने से बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो आपके ऊपर है आप कितना डालना चाहते हो। अगर आपके पास है, नहीं है तो भी ये टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से फूड कलर। मैं केसर वेसर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिना केसर के आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। आप चाहे तो ऐसा भी आप सर्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि साउथ इंडियन स्टाइल बनाऊँगी, तो इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। रेड ऑरेंज कलर है ये, तो ये रेड ऑरेंज कलर गया इसमें। अब इसे हमें अच्छे से मिलाते रहना है जब तक ये पूरा अच्छे से कलर सारे हलवे को कवर नहीं कर लेता। हम अच्छे से इसे मिलाते रहेंगे।
अब इसको मिलाने के बाद इसका कलर आप देखिएगा। केसर वेसर किसी के पास होता नहीं होता है घर में, केसर बहुत महंगा भी होता है, लेकिन ये कलर सिर्फ 10 रुपये की डिब्बी आती है, आप इसमें से बहुत अच्छा बना सकते हो। तो मैंने सोचा कि मैं ऑरेंज कलर का बनाऊंगी, तो इस वजह से मैंने ये देखिए ऑरेंज कलर का ये कलर बहुत ही अच्छा है और ये खाने में इतना टेस्टी है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके घर में तो लोग तारीफ़ करें, आपका रुकेगा ही नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आप